क्लास टेंथ मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 11/25 तो नीचे आएगा 5×5, यानी दशमलव प्रसार तो शांत होगा ही, लेकिन इसको भाग देने पर क्या आएगा? तो 25 से 11 में हम भाग देंगे तो 0.44 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका सी नंबर। 17/24 ये आपका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, क्योंकि नीचे 2, 5 के गुणनखंड नहीं है, इसमें 3 भी है, ठीक है, इसलिए आपका अशांत होगा। अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है? ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर होगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए जो है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 2.5 है, ये 25 नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 1/3, तो 1/3 कैसी संख्या है? और ये डॉट डॉट अगर है तो अपरिमेय संख्या है, नहीं है तो परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है बताना है। 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए 2 बचेगा, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है 1 होता है, आंसर हो जाएगा आपका 1। अब आपका क्वेश्चन है √3/√12, तो √3 हो गया, 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा रूट वाला, ये बचेगा 1/2, तो 1/2 परिमेय संख्या है, आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कौन अपरिमेय नहीं है? ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, और ये देखिए 75 है, इसको लिख सकते हैं 5√3, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 4√3, √3 से √3 कट गया, यानी रूट से बाहर हो गया, ये अपरिमेय आपका नहीं है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का बड़ी संख्या माने छोटी संख्या, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब है किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए मौसा AB का लॉसन निम्न में से किसके बराबर होगा? तो A×B के बराबर होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो मौसा निकालने का तकनीक होता है, आंसर हो गया बी नंबर। 2^n, 5^n में अगर संख्या रहता है, अगर ए बटा इतना हो, ये आपका संख्या शांत भी होता है, तो इस तरह से आपका होता है फार्मूला। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है बताना है, ये आपका रूट से बाहर नहीं होगा, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आपको बता दिया गया √20। अब देखिए इस तरह का संख्या है, यह संख्या कैसा है, तो अपरिमेय है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। संख्या 25, 50 के HCF और LCM के गुणनफल क्या होगा बताना है, तो 25, 50 में गुणा कर देंगे 1250, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। निम्नलिखित में π/2 क्या है? π/2 जो है अपरिमेय संख्या है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें से परिमेय संख्या कौन है? ये जो है रूट से बाहर हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 5 बार आएगा 2, 3√3 है आपका, यानी कि 3 है या √3 है, तो रूट जिसमें रहता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन वास्तविक संख्या मूल रूप से क्या होता है, 2 प्रकार के होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया आपका ये ए नंबर। 2 प्लस में √ रहे चाहे माइनस में √ रहे, अगर रूट है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4√2, इसमें भी √2 है, ये भी अपरिमेय संख्या है आपका ये, ठीक है, √4 है, लेकिन 4 जो है 2 का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या √8 है, ये जो है रूट में रहेगा, अपरिमेय संख्या है ये। अब आपका क्वेश्चन है 1.621 क्या है? तो 1 ये परिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जो है कलन विधि भी कहते हैं, कलन विधि, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। 1 परिमेय संख्या और 1 अपरिमेय संख्या का अंतर जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है, जोड़ कीजिए चाहे घटाव कीजिए,
एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग भी अपरमेय संख्या होगा, सी नंबर आंसर हो गया।